गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि वो अविनाशी परमात्मा उसी को जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अपने विषय में दूसरे अध्याय के गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, हम तुम और ये राजा लोग सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी अपना जन्म होता रहेगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है और ये ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं भी उस पूर्ण मोक्ष मार्ग से अपरिचित हूं। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि बहुत प्रकार के आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है, कही गई, और उसको तो कर्मों से होने वाली जान और उसको जानने के पश्चात फिर तो सब प्रकार से मोक्ष को, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जिनको अभी तक किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं था, किसी के पास सत्संग नहीं था, जिस कारण से सदग्रंथों के अनुवादों का भी अनर्थ कर डाला इन्होंने, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने गड़बड़ कर दी अनुवादकर्ताओं ने। इसमें लिखा है कि ब्रह्मण है मुखे, और अनुवादकर्ता ने इसका अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं, यहां ब्रह्मण है मुखे का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुखे माने मुख से उच्चारित उस अमृत वाणी में, उस परमात्मा द्वारा स्वयं बोले गए उस तत्व ज्ञान में ये सब ज्ञान विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, परमेश्वर कबीर जी ने जो, उस पूर्ण ब्रह्म ने जो आकर के स्वयं जो ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला है, मुक्कमल से कहा है, उस वाणी में विस्तार से कहा गया, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से कति अधीन होकर के और विनम्रता पर पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस अमृत ज्ञान को बताएंगे, उस तत्व ज्ञान का आपको वर्णन करेंगे। अपने आत्माओं, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने इस ब्रह्मणे का अर्थ ठीक किया है। उसमें क्या लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, इसका इन्होंने ठीक अर्थ किया है कि ओम तत् सत, यह तीन प्रकार का ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया है, सचिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र कहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां सचिदा ब्रह्मणे का अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म सही कहा, वहां ये विचलित गए, विचलित हो गए कि भगवान गीता बोलने वाला और किस परमात्मा के विषय में बोल रहा है, उस वहां इन्हें गलत कर दिया और यहां ठीक लिखा। तो वहां सचिदानंद घन ब्रह्म ही आप समझें उस पुस्तक गीता जी में जो गलत लिखा है, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं रूबरू करके। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, ये जय दयाल गोविंद का, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में
इसमें क्या कहा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में, नहीं यहां गलत कर दिया, यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख से उच्चारित वाणी में, मुखे उसके द्वारा बोले गए ज्ञान में स्वयं आकर बोले यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब यहां देखिएगा 70वें अध्याय का, इसमें क्लियर होगा ब्रह्मणे का अर्थ क्या है। अब 23वां श्लोक इसका यहां देखिएगा, इन्होंने यहां अनुवाद ठीक किया है, ओम ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा है तिर्विध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इन्होंने स्वयं ठीक अनुवाद किया है यहां पर, ओम तत्सत ऐसे यह तीन प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, ये ब्रह्मणे वही है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हम यहां इसको 4वें अध्याय के 32वें श्लोक में हम इस ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उसके बारे में यहां 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला गया है, कबीर वाणी में गया क्या बोला गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और ज्ञान है और उसका बताने वाला भी कोई और है, उनसे भली बात ही समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को यानी तत्वदर्शी न वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इसमें यह स्पष्ट करना था कि इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर दिया, क्योंकि जहां भी ये विचलित हो जाते हैं वहीं गड़बड़ कर गए, और भोली आत्माएं थी इनको संस्कृत के ज्ञाता जान करके इनके द्वारा किए गए अनुवाद में कोई जो है शंका नहीं कर पाए। अब इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, वो ज्ञान वाली अखियां दास की खोल दी और तब ये ज्ञान समझ में आया और आपको दास बता रहा है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ब्रह्मा जी को सत्संग प्राप्त, और ना विष्णु जी को, ना व्यास जी राइटर ऑफ द वेदाज एंड गीता जी एंड 18 पुराणों का, गीता जी का और वेदों का जो राइटर है, लेखक है ओनली, वो ज्ञान का वक्ता नहीं है इन वेदों और गीता का। पुराणों में कुछ ज्ञान का वक्ता भी है, लेकिन वेद और गीता का वो केवल राइटर है। और वक्ता कौन है वेदों का, ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है, उसने ये ज्ञान बोला और वेद व्यास को दिवदृष्टि दे दी, उसने वो जो कुछ भी एज इट इज वार्ता हुई वो लिखी, बस इतना सा कहा। इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इनको सत्संग प्राप्त नहीं था। दास यही आपको क्लियर करना चाहता है कि आज विश्व में किसी के पास भी सत्संग नहीं है,